हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 8.5। तो 8.5 में आज हमें पढ़ना है कॉमन मल्टीपल्स। अभी हम कॉमन फैक्टर्स पढ़ रहे थे, अब हमें मल्टीपल्स पढ़ना है। तो देखिए, 2 का मल्टीपल क्या होता है, यानी कि 2 का टेबल हमें लिखना है। तो चलिए 2 का टेबल लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, 2 2 सा कितना होता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। ठीक है, 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 12 14 16, ठीक है, 18 20। ठीक है, उसके बाद भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 20 के बाद आपका आएगा 22, 24, 26, 28 और 30। और यहाँ पे 7 के टेबल लिखेंगे, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35। तो यहाँ पे 2 कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो 2 कॉमन मल्टीपल्स आपके क्या हैं, एक तो 14 है, ठीक है, और उसके बाद आपका 28 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 14 और 28, ये दोनों इसके कॉमन मल्टीपल्स हैं। साथ ही साथ अगर आपको पहला मल्टीपल पता चल जाता है, जैसे कि 14 यहाँ पे भी है, 2 के भी मल्टीपल है, 7 का भी मल्टीपल, तो 14 का टेबल आप यहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए। तो ये इनका आपका क्या हो जाएगा, मल्टीपल्स आने शुरू हो जाएंगे जो कॉमन मल्टीपल्स होते हैं। तो 14 3 से कितना होता है, 42। तो यहाँ पे हम लिखना शुरू कर देंगे, वो उसका कॉमन मल्टीपल बनता चला जाए। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ 2 लिखने हैं, इसलिए मैंने सिर्फ 2 लिखा। अब आते हैं 7 और 15 पे। तो 7 और 15 का टेबल देखिए, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। ठीक है, तो ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। साथ ही साथ इसके बाद है 15 का लिखेंगे, 15 1 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, 45। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आएगा, 60 75, ठीक है, 90 और 105। 105 मैं क्यों लिख रहा हूँ बता रहा हूँ आपको। देखिए, जब 7 का टेबल हम ऐसे पढ़ते हुए जाएंगे, तो देखिए 15 7 ज़ा कितना होता है, 105, यानी कि पहला मल्टीपल इसका क्या बन जाएगा, 105। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 105, और 105 का टेबल हम अगर लिखना चाहते हैं कि 105 टू ज़ा कितना होता है, तो 210 होता है। तो इसके 2 मल्टीपल्स आपके क्या हो जाएंगे, 105 और 210। अब आते हैं 15 और 10 और 15 पे। तो देखिए 10 के टेबल में आप लिखना शुरू करेंगे, 10 20 30 40 50 60। ठीक है, 15 का टेबल आप लिख लेंगे, 15 30, ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे 45 60, ठीक है, 75 90। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए, इन दोनों का सबसे पहला कॉमन मल्टीपल क्या है, 30। ठीक है, 30 हमने लिखे, 32 का कितना होता है, 30 का टेबल, यानी 32 ज़ा 60, ठीक है, 33 ज़ा 90। तो देखिए यहाँ पे 10 के भी टेबल में 90 आएगा। तो देखिए 3 जो पहला मल्टीपल मिल रहा है, वो इसी का आप मल्टी अप्लाई कर दीजिए, 2 में 3 में 4 में, या 30 का टेबल लिखना शुरू कर दीजिए, तो वो उसका कॉमन मल्टीपल्स आपका आ जाएगा। वैसे आपको 2 लिखना था, तो 30 और 60 आप लिखिएगा, 90 मैंने आपको बता दिया कि कैसे ये होता है। फिर आप 9 का मल्टीपल लिखना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 18 27 36 45 54, ठीक है, 63 72। अब यहाँ पे आते हैं 12 का मल्टीपल लिखना शुरू करेंगे, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60 और 12 6 ज़ा 72। अब देखिए इसमें इन दोनों में सबसे पहला कॉमन आपका क्या मिल रहा है, तो सबसे पहले मिल रहा है 36, और 36 टू ज़ा कितना होता है, 72। और तो 72 देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा है 5 नंबर, 5 और 7 आपको यहाँ पे दे रखा है। तो 5 और 7 का मल्टीपल हम लिखना शुरू करेंगे। अब देखिए दोनों ही प्राइम नंबर हैं, 5 और 7, तो आप इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको पहला मल्टीपल आपका मिल जाएगा। तो 7 5 ज़ा 35, अभी आप देखेंगे तो 7 और 5 का पहला मल्टीपल आपका कितना होगा, 35। चलिए शुरू करते हैं, 5 10 15 20, ठीक है, 25 30 35। मैंने आपको बताया ना कि जब 2 प्राइम नंबर आपके साथ में मिल जाए, तो आप उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वही आपका पहला मल्टीपल हो जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 7 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, ठीक है, 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 42। तो देखिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले आपका क्या आएगा, 35 आपका आएगा, ठीक है, कॉमन मल्टीपल 35 लिखेंगे, 35 2 ज़ा होता है 70, ठीक है,
फाइव के टेबल में 70 आएगा और सेवन के टेबल 17 से 70 आएगा, तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। एफ नंबर पे आते हैं, 3 और 9 का हम मल्टीपल लिखते हैं। चलिए तो लिखना शुरू करते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, ठीक है 21 24। अब 9 का लिखना शुरू करते हैं, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 कितना होता है 36। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो पहला कॉमन मल्टीपल आपको मिल रहा है वो आपका क्या मिल रहा है, यहाँ पे वो 9 मिल रहा है। ठीक है, और 9 2 कितना होता है 18। ठीक है, तो देखिए 18 भी यहाँ पे उसके बाद कॉमन आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये दोनों उसके कॉमन मल्टीपल्स हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 कॉमन मल्टीपल्स हमें लिखना है, 6 9 और 12 का, तो 6 का मल्टीपल लिखना शुरू करते हैं, 6 2 12 18 24 30 36 42। ठीक है, फिर 9 का मल्टीपल लिखेंगे, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 4 45। ठीक है, अब यहाँ पे 12 पे आते हैं, 12 का लिखेंगे 36। ठीक है, सॉरी 12 1 12 लिखेंगे पहले, 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36। ठीक है, देखिए यहीं पे रुक जाते हैं, 12 4 48 लिख ही लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे कॉमन सबसे पहला क्या मिल रहा है, 36 36, और यहाँ पे 36। ठीक है, तो पहला कॉमन मल्टीपल हमारा क्या होगा, 36। अब यहाँ इतना आगे तो हम लिख नहीं सकते, 32 का कितना होता है 72। ठीक है, उसके बाद 36 3 का कितना होता है 108, और 36 4 जो होता है 144। तो ये 4 कॉमन मल्टीपल इसके हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे खत्म होता है। आते हैं 3 पे, यहाँ पे एलसीएम निकालना है दोस्तों हमें। देखिए एलसीएम जब हम निकाल रहे थे तो सिर्फ कॉमन निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमें पूरा निकालना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 8, 10, तो देखिए 8 और 10 है, तो 2 से डिवाइड, 2 4 8, 2 5 10। अभी देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 2 4, यहाँ पे 5 है, तो 5 ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि 2 के टेबल में नहीं आता है। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 2, और यहाँ पे बचेगा 5। और देखिए 5 प्राइम नंबर है, सिर्फ अपने आप से कटेगा, तो 5 1 5, और यहाँ पे 1। तो जब नीचे दोनों 1 आ जाएगा तब यहाँ पे आपका खत्म होगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8 और 10 का, तो लिखेंगे एलसीएम इक्वल टू, कितनी बार 2 है, 3 बार है, तो 3 बार 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 5, तो देखिए 2 2 4, 4 2 8, 8 5 40, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 40। चलिए 14 और 21 का करते हैं, तो 14 लिखेंगे, 21 लिखेंगे, 2 से डिवाइड कर, 2 7 14, और 21 तो आता नहीं है टेबल में, तो 21 हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये नंबर जो है वो आपका 3 से कट जाएगा, 3 के टेबल में 7 नहीं आता, तो ऐसे लिख देंगे 3 7 21। ठीक है, ये खत्म हो गया, और 7 1 7, और 7 1 7। देखिए हम पहले छोटे नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़े नंबर से हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, जिससे एक सीक्वेंस में थोड़ा सा अच्छा लगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एलसीएम, तो लिखेंगे 2 into 3 into 7, तो 7 3 21, देखिए 2 3 6, और 6 7 42, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 42। इसका एलसीएम क्या होगा 42। 9 12 पे आते हैं, तो आइए देखते हैं 9 12 को कैसे हम डिवाइड करते हैं। पहले तो 2 से करेंगे, क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 है, तो 2 से डिवाइड होता है, तो 9 नहीं होता, तो 9 को ऐसे ही लिख देंगे, 2 6 12, अभी भी ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 9, क्योंकि 9 2 के टेबल में आया, तो 2 3 6। अब देखिए 3 के टेबल से करेंगे, तो 3 3 9, और 3 1 3, उसके बाद यहाँ पे 3 है, 3 1 3। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 2 बार है, और 3 भी 2 बार है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो 2 2 4, 4 3 12, 12 3 कितना होता है 36, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 36। चलिए यहाँ पे आते हैं 4 8 12 पे, 4 है 8 है 12 है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12, अभी भी ये 2 से हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, और 2 3 6। अब ये नंबर सिर्फ 2 से डिवाइड होगा 3 से, क्योंकि 2 और 3 आपके क्या है प्राइम नंबर है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 3। ठीक है, देखिए सब जगह 1 आ गया है। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एलसीएम लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3। ठीक है, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 24। ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं, 5 10 16, तो इसका एलसीएम हम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 5,
यहाँ पे लिखेंगे 10 और यहाँ पे लिखेंगे 16, ठीक है। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे, 2 के टेबल में 5 आता नहीं है तो ऐसे लिख देंगे, 2 फाइव ज़ा 10, 2 एट ज़ा 16। अभी ये नंबर 2 से डिवाइड होता है, क्यों? क्योंकि 8 है, तो 5 5 को मैं ऐसे लिख देंगे, ठीक है, 2 फोर ज़ा 8, ठीक है। अभी भी 2 से डिवाइड करेंगे, 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे और 2 2 ज़ा 4। अभी भी 2 से डिवाइड होगा एक बार, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 5 5 1, 2 1 ज़ा 2। अब 5 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 1 और 1, ठीक है। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे इसका, तो एलसीएम इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 कितनी बार है, 4 बार, 1 2 3 4, और 1 बार 5 है तो लिख लेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा कितना होता है, 80। तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा, 80, यानी कि एलसीएम क्या होगा, 5 10 और 16 का 80। अब 3 4 5 पे आते हैं। देखिए, जब कोई भी नंबर आपका रेगुलर में होता है, ठीक है, रेगुलर होता है, तो इन तीनों की आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स है, तीनों लगातार नंबर है, 3 4 5, तो इन तीनों के मल्टीप्लाई कर लीजिए, वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो जैसे 5 4 जा कितना 20, 23 जा कितना होता है 60, ठीक है। अब लेकिन इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कैसे। देखिए 3 4 5, तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 3 नहीं आता है, 2 2 ज़ा 4, यहाँ पर लिखेंगे 5, अभी भी 2 से कट जाएगा, तो 3 2 1 ज़ा 2 और यहाँ पर 5। अब देखिए ये 3 से इसको कट कर लेंगे, 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 1 था ही, यहाँ पे 5 था और यहाँ पे लिखेंगे 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5। अब एलसीएम देखिए, मैंने आपको बताया था 60 आएगा, अभी देखिए आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। जब तीनों नंबर लगातार हो तो उन तीनों को मल्टीप्लाई करिए, वही आपका एलसीएम होता है। तो 4 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा कितना होता है 60। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 60, एलसीएम आपका आ जाएगा 60, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, इसके बाद है एक्सरसाइज 8.6, तो उसे भी हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहीं तक पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।